हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रात 2 बजे तक चली पुनर्मतगणना। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कड़ा मुकाबला देखने मिला। कई उतार चढ़ाव और देर रात तक चली भारी जद्दोजहद के पश्चात NSUI के सुनील चौधरी महज 9 वोटों से विजयी रहे। उन्होंने ABVP के मूल सिंह को पराजित किया। दरअसल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ और विवाद का पुराना नाता रहा है। यही बड़ी वजह रही है कि जहां राजधानी जयपुर सहित समूचे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव के परिणाम शाम तक घोषित हो गए, वही GNVU में मंगलवार देर रात तक मतगणना जारी रही। यहाँ अध्यक्ष पद पर NSUI के सुनील चौधरी और अखिल विद्यार्थी परिषद के मूल सिंह राठौड़ में कड़ा मुकाबला रहा। 5वें और अंतिम राउंड की मतगणना में खारिज मतों को लेकर उपजे विवाद के बाद पुनर्मतगणना शुरू हुई। देर रात करीब 2 बजे पुनर्मतगणना पूरी होने के बाद NSUI के सुनील चौधरी को विजयी घोषित किया गया। उन्होंने मूल सिंह को 9 मतों से हराया। उन्हें रात 2:15 बजे शपथ दिलाई गई। मूल सिंह की आपत्ति पर केवल सुनील चौधरी के मतों की पुनर्मतगणना की गई। पहले हुई मतगणना में सुनील को 4,198 मत मिले थे। रिकाउंटिंग में उसमें से 26 मत खारिज हो गए, वही 2 मत मूल सिंह के खाते में चले गए। सुनील चौधरी को विजेता घोषित करते ही उनके समर्थक जश्न में डूब गए। समर्थकों ने जमकर पटाखे फोड़े और देर रात तक नाचते रहे। बाद में पुलिस कड़े सुरक्षा घेरे में सुनील चौधरी और मूल सिंह को उनके घर तक छोड़ने गई। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।